हमारे करौली की बग्गी खाने में राजकीय प्राथमिक स्कूल खुला हुआ है। स्कूल के सामने ही शराब की दुकान है। शराब की दुकान होने से बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है, उसी के साथ में बाल मन दूषित हो रहा है। शराब की दुकान होने से हमारे बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इनके गार्जियंस पर प्रतिकूल असर पड़ता है, हमारी सामाजिक विकृतियां उत्पन्न होती है। हमारी राज्य सरकार ने ऐसी जगह पे शराब की दुकानें खोल दी है जहाँ पे स्कूल है, मंदिर है और पूरी कॉलोनी बसी हुई है, और जबकि वो दलितों की कॉलोनी है। यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना ही राज्य सरकार का ध्यान है। वो तो चला के राज्य सरकार और ठीक है खोल रही है जगह जगह दलित बस्तियों के अंदर, दलितों को बिल्कुल समाप्त करना चाहती है राज्य सरकार। एक सबूत मैंने सामने ही देखा कि एक बच्चे को उन्होंने पैसे दिए और बच्चे शराब लेकर आ गया। इस तरह की दुकानों को सरकार को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए, अपने नियमों की पालना करनी चाहिए। देखो तो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जो आते हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर लोग भाग दारू पी के गाड़ी के लोग रहते हैं आपस में, उनसे बच्चों के आने वाले भविष्य में बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे वही चीज सीख जाएंगे जो यहाँ पर हो रही है। बच्चियों का बताना है कि हम यहाँ से निकलते हैं शराब पी के हमारे स्कूल के पास में आ जाते हैं, उधम मचाते हैं, और दिन में जब मैं 10 बजे वहाँ पहुँची तो तब भी शराब पी रहे थे लोग खड़े हुए। बच्चे डरते हैं स्कूल आने में, और यहाँ तब लंच में भी लगती है तो बच्चे डर जाते हैं डर से, इससे तो सबको बहुत नफरत है और वैसे नहीं है, यहाँ होनी भी नहीं चाहिए। लाइसेंस देने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम लाइसेंस दे रहे हैं तो ये दुकानें कहाँ पे खुलेंगी। कभी भी स्कूल के पास में, सार्वजनिक स्थान पर, किसी पैलेस के पास में दुकानें नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चों की स्थिति खराब ना हो, बच्चों को पूर्णतः शिक्षा मिल सके और वो पहले ही माहौल वहाँ का गंदा है और वो माहौल और ज़्यादा गंदा ना हो। हमारी राज्य सरकार इस तरह की दुकानों के लाइसेंसों को तुरंत रद्द कराए और अपने नियमों की पालना करे। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।